ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। खबर फास्ट से खास बातचीत में श्रवण चंदेल ने बताया कि प्रदेश को खेल में आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर नालागढ़ में युवाओं के लिए आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनाने का भी केंद्रीय खेल मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा गया और वहीं लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की और साथ ही उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नालागढ़ के युवा नेता श्रवण चंदेल जो भारतीय जनता पार्टी में सचिव के पद पर हैं, अभी हाल ही में जो है अपने केंद्रीय मंत्री जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी से मिले, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि नालागढ़ की जो समस्याएं हैं उन्होंने वहां क्या बातचीत करी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर फास्ट में। नमस्कार जी, धन्यवाद खबर फास्ट का। सर, आप अभी अनुराग ठाकुर जी से मिले, तो यहाँ कुछ जो बच्चे आने वाले युवा पीढ़ी हैं उनकी कुछ समस्याएँ हैं, तो क्या आपने वो समस्याएँ सर वहाँ पर रखी? बिल्कुल, मैंने आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के साथ ये बात में विषय चर्चा की कि हमारे नालागढ़ क्षेत्र में बहुत ही हमारे युवाओं में मतलब खेल के प्रति जागरूकता है। जैसा कि आपने देखा है, हमारे यहाँ से दबोटा से अजय ठाकुर जी ने भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला है उनको, तो और बच्चों के लिए यहाँ इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनसे हमने इस विषय पर चर्चा की और उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया और मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी है जो अपने खेल की तरफ बढ़े और जो नशे से दूर रहें। जो खेल है बच्चों को नशे से ऑटोमेटिक दूर रखने में साबित होता है। तो हाँ जी, और मैं चाहूँगा कि अभी जैसे हमारी कोरोना काल की तीसरी लहर के आने की संभावना और थोड़े हमारे केस बढ़ भी रहे हैं, मैं सभी अपनी नालागढ़ की जनता और से अनुरोध करूंगा। वैसे तो बहुत सूझवान है हमारी नालागढ़ की जनता, पर फिर भी भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें और मास्क यूज़ करें और 2 गज की दूरी जो सरकार का नारा उसे बना के रखें और अपने आप को प्रिकॉशन लें। सर, ये जो कोरोना काल आया था, तो आपकी क्या सर भूमिका रही इस पूरे कोरोना काल में? कोरोना काल में हमारे भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे पार्टी ने हमें निर्देश दिया था कि आप जो भी कोरोना पेशेंट है या कोरोना के कारण किसी के घर में कोई जान माल का नुकसान हुआ है, तो सभी कार्यकर्ताओं को जो पदाधिकारी उनको संगठन ने एक ड्यूटी लगाई थी, उसमें हम घर घर जाके जा रहे हैं। 10,000 के करीब मैंने मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटा है और लोगों को घर घर जाके जागरूक भी किया इसके प्रति, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया भी है। हमारी पार्टी चाहती है कि जो हमारे कोरोना काल में किसी के घर से कोई प्राणी की जान माल का नुकसान भी हुआ या कोरोना काल में कोई किसी तरह की कोई सहायता की जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ से मेरे को कोई संदेश मिला या मेरा पता चला, तो हम वहाँ वहाँ के गए, वो हमने वितरित किया। सर, ये 15 अगस्त आने वाली है, तो नालागढ़ की जो जनता है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं नालागढ़ की जनता से अनुरोध करूँगा कि जो 15 अगस्त की सबसे पहले तो शुभकामनाएं और बधाई, और मैं नालागढ़ की जनता से अनुरोध ये करूँगा कि जो ये कोरोना काल है इससे अपने आप को बचा के रखें, कि हमारे नालागढ़ और हमारे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहले भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजरी हुई है। हम ये चाहते हैं इस तीसरी लहर से हम अपने आप को पहले से ही तैयार रखें कि इससे हमने कैसे बचना है। मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें, जो बार बार एक ही काम के लिए बाजार ना जाएं। तो ये थे हमारे साथ नालागढ़ से उभरते हुए नेता भारतीय जनता पार्टी के सचिव श्रवण चंदेल जी। नालागढ़ से मोहम्मद रफ़ी के साथ खबर फास्ट।